अपराध होते हैं। तो नहीं बता मिलेगा, 16वीं शताब्दी से पहले का हमारा गोस्वामी तुलसीदास जी के ये स्थापित संस्था है और वही हमें इसके संस्थापक हैं। कई वर्षों तक साधु महात्माओं ने रामलीला खेली। 1857 के गदर के बाद जब ज़्यादा शक्ति हुई साधुओं पर, तब यहाँ के समाज सेवियों ने लखनऊ के इस संस्था को संभाला, तब से आज तक हम लोग कर रहे हैं। और ऐतिहासिकता का एक प्रमाण हम और दें, नवाब आसफुद्दौला यहाँ की रामलीला देखने आए थे और ये गंगा जमुनी सभ्यता का हमारा लखनऊ शहर है और इस प्रांगण को 6.5 एकड़ भूमि दी और ताम्रपत्र उस समय चलता था, उस पर लिख करके हमें सहायता प्रदान की।